सफ़ेद बालों को ज़िंदगी भर काला करना चाहते हैं तो ये रेमेडी ज़रूर से लगा लें। वीडियो को पूरा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कर दें, एक लाइक मोटिवेशन के लिए ज़रूर कीजिएगा। बालों को काला घना लंबा बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं तो ये रेमेडी पूरी देखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे पहले हमें चाहिए काला कत्था। दिखेगा काला कत्था, ये मैंने रात को जो है ब्रेकफास्ट की भिगो दी थी कुछ इस तरीके का। ये दिखेगा रोस्ट हुआ हुआ काला कत्था है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आप मार्केट से लाते हो उसे रोस्ट कर लीजिए, और इस तरीके से आप जो है रात को इसमें आयरन की कढ़ाई में इस तरीके से भिगो कर रख दीजिए। और अब मैं इसमें जो इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी उससे ये देखिएगा उसी से हम रेमेडी प्रिपेयर करेंगे। काला कत्था सफ़ेद बालों में एक बार में कलर देता है, आपके सफ़ेद बालों को जड़ से काला कर देता है। और आप चाहें तो इस पाउडर को भी जो है रख सकते हैं। ब्रिक जो है इस तरीके की, देखिएगा ब्रिक को आप भिगो दीजिए 1 से 2 चम्मच पानी में। तो इस तरीके का सुबह तक पानी जब सूख जाएगा तो पाउडर अपने आप नेचुरल तरीके से इस तरीके का पाउडर बनकर रेडी हो जाएगा, आप वो भी रख सकते हैं। इसका सिर्फ 1 चम्मच बहुत आपके सफ़ेद बालों को जड़ से काला करने के लिए। अब देखिएगा, अब इसमें हम इंग्रेडिएंट ऐड करना स्टार्ट करेंगे। देखिएगा वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, ये देखिएगा ये है वो पत्ते जो हमारे बालों को जड़ से काला कर देंगे। और इनका इंग्रेडिएंट में आप देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो है ये आपके बालों को रंग देने का काम करते हैं। और ये मैं बता देती हूँ ये किस चीज़ के पत्ते हैं, तो पहले हम देख लेते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, ये है बीट रूट, ये देखिएगा मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है चुकंदर, और चुकंदर से हमारे बाल जो है हमेशा के लिए काले हो जाते हैं। अगर आप चुकंदर का यूज़ नहीं करते तो करना स्टार्ट कर दीजिए। चुकंदर जो रंग देता है बालों के अंदर वो आपको ब्लैक देगा 100%। अगर आप जो है काले कत्थी के संग इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको बालों में देगा ब्लैक कलर। इस तरीके से देख लीजिए, आप बीट रूट का पाउडर भी ले सकते हैं यहाँ पर। अगर आप जो है ओरिजिनल बीट रूट का यूज़ करते हैं तो वो आपको कलर देगा इस तरीके से। तो चलिएगा पहले मैं इसे वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद हल्का सा मैं इसे कट करूँगी। क्रश भी कर सकते हैं, जूस आप इसका डाल सकते हैं, आप दोनों तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने एक मिक्सर के जार में इस तरीके से एक पीस ले लिया है बीट रूट का, और थोड़ा पानी डालकर मैं इसे पीस लूँगी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, पीसने के बाद कुछ इस तरीके का रस हमारा बनकर रेडी हो गया। अब आप स्किन वाइटनिंग क्रीम भी इससे रेडी कर सकते हैं, वो भी मैं आपसे कभी शेयर करूंगी फ्रेंड्स। अभी जो है हम हेयर पैक बना रहे हैं और आपके सफ़ेद बाल 100% इससे काले हो जाएंगे। तो चलिएगा हम इसे स्ट्रेन आउट कर लेते हैं स्ट्रेनर की हेल्प से इसमें। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आपको जितना पैक बनाना हो उस हिसाब से आप ले लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको ले लेना है। तो मैं इतना इस तरीके से इसे ले लेती हूँ, ये देखिएगा मैंने इतना जूस ले लिया है इसका। और अभी जो है अभी हम मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसका जूस निकाल लेती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसमें इतना जूस निकाल लेते हैं कि हमारा अच्छा सा जो है पेस्ट बनकर रेडी हो जाए। तो इतना मैंने डाल दिया है इसमें पानी। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और ये इंसेट जो है आपको ब्लैक कलर देगा। अब देखिएगा, अब हम इसमें एक इंग्रेडिएंट और ऐड करेंगे जिससे हमारे बालों का कलर लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अगर आप उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो आपके बाल 100% काले होने वाले हैं। अब वो देखिएगा फ्रेंड्स, वो है ये है कॉफ़ी, और कॉफ़ी से हमारे बाल जो कलर आता है वो बिल्कुल परमानेंट रहता है। इस तरीके से आपको इतना डाल दीजिए इसमें, पूरा 1 से 2 पाउच आप अपने बालों का क्रीम डाल सकते हैं अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हैं और काला है। अब हम इसमें एक इंग्रेडिएंट और ऐड करेंगे, वो है हीना पाउडर। देखिएगा आपको हीना पाउडर ही ऐड करना है, मैं यह कलरलेस हीना ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी हीना ले सकते हैं, आप ब्लैक हीना ले सकते हैं या जो भी आपको पसंद हो आपको ले लेनी है। और लेने के बाद में आपको इसमें मिक्स करनी है कि एक हमारा जो है एक हमारा पैक बनकर रेडी हो जाए इस तरीके से। ये देखिएगा ये मैंने ली है, ये देखिएगा फ्रेंड्स हर्ब टॉनिक की हीना ली है मैंने, ये और ये कलरलेस हीना है। इस तरीके से आप कोई से भी कंपनी का कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं। इस तरीके से आप मिक्स कर दीजिए इसे, और ये पैक जो है हमारा बनकर रेडी हो जाएगा फ्रेंड्स। ज़्यादा देर आपको आयरन की कढ़ाई में नहीं छोड़ना है, क्योंकि बीट रूट वगैरह की वजह से ये आपको 100% कलर देगा। जिन लोगों की बालों में मेहंदी से कलर ऑरेंज या रेड आता है, इसे लगाने के बाद 100% आपके बालों का कलर काला आने वाला है। अब आप इसे क्या कितनी देर रखना है मैं बता देती हूँ। आप इसे अभी थोड़ा हल्का पानी गर्म है क्योंकि, तो ये भी मेहंदी भी गर्म है, तो आप इसे 15 से 20 मिनट इस कढ़ाई में छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको अपने साफ़ सुथरे बालों में लगाना, ध्यान रखिएगा ऑयलिंग नहीं होनी चाहिए, गंदा सिर नहीं होना चाहिए। जब भी आप इसे अप्लाई करते हैं आपका गंदा सिर नहीं होना चाहिए। काफ़ी लोग जो है अपने ऑयली बालों पर कर लेते हैं तो कलर नहीं आता, और अगर आपके बालों में एक बार कलर नहीं आ रहा तो 2 से 3 बार अगर आप वीक में कर लेंगे तो 100% इसका कलर आपके बालों पर चढ़ेगा। ये प्रोसेस आपको कर लेना है। और अगर जिन लोगों के भी सफ़ेद बालों में कलर नहीं आ रहा तो वो इंडिगो पैक नेक्स्ट डे लगा सकते हैं। ये तो हो गया मेहंदी का प्रोसेस, अगर आप चाहें तो इंडिगो का पैक ले लीजिए। उसको आपको केवल कुछ नहीं करना, आपको
आयरन की कढ़ाई में आप 2 चम्मच इंडिको ले लीजिए, उसको आप सिर्फ नॉर्मल वाटर से हल्के गुनगुने पानी से मिक्स करके और उसमें 1 नींबू आपको डाल देना, उसे पन्नी से कवर कर दीजिए जिस भी बर्तन में आप निकालते हैं। 10 मिनट इनफ है बहुत, उसे पन्नी से कवर करके फिर हटाइए और बालों में अप्लाई कीजिए। आपके बाल 101% नेचुरल तरीके से काले हो जाएंगे। ये 2 स्टेप प्रोसेस था और जो आज मैंने आपसे शेयर किया ये 1 स्टेप प्रोसेस है। आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो प्रोसेस अपने बालों में अप्लाई कर सकते हो, ये 101% बालों में कलर देता है। आई होप आपको वीडियो रेमेडी जानकारी अच्छी लग रही है।